हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू डेली अपडेट। 2 सितंबर 2022, भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत में और भारत द्वारा 20,000 करोड़ में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारत के नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन नेवी के न्यू फ्लैग को एनसाइन करेंगे और ये दोनों ही पल भारत के लिए ऐतिहासिक है। व्हाट इज करंट इंडियन नेवी फ्लैग? अभी इंडियन नेवी का इनसाइन कुछ इस तरह दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 1934 में नौसेना का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी रखा गया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में था। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद रॉयल इंडियन नेवी को दो हिस्सों में बांटा गया, रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी। फिर 26 जनवरी को भारत जब रिपब्लिक कंट्री बना, तब रॉयल इंडियन नेवी में से रॉयल को हटा दिया गया और इंडियन नेवी का नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 से पहले इस फ्लैग में कुछ इस तरह का साइन था, जिसमें कि क्रॉन और एंकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस फ्लैग में से नेवल क्राउन को अशोक स्तंभ से रिप्लेस कर दिया गया। व्हाई न्यू इंडियन नेवी असाइन रिक्वायर्ड? जैसे कि आप सब ने देखा, अभी जो इंडियन नेवी का फ्लैग है उसमें हमारा तिरंगा और उसके साथ सफ़ेद रंग पर लाल रंग के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप हैं। अभी अगर इंडियन नेवी के फ्लैग को देखें तो सफ़ेद और लाल रंग का कॉम्बिनेशन भारतीय संस्कृति के अपोजिट नज़र आता है और न्यू असाइन भारतीय संस्कृति को दिखाएगा, साथ ही भारत के ओशन में शक्ति को दिखाएगा। व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर? बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप होते हैं, जो समुद्र में तैरते हुए अपने साथ फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर इत्यादि को अपने साथ कैरी करते हैं, जिस वजह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार दूसरे किसी भी वॉरशिप से बड़ा होता है और ये वॉरशिप किसी भी देश के ओशन के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। इंडियाज मॉन्स्टर इन इंडियन ओशन। साथ ही 2 सितंबर को INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। बेसिकली INS विक्रांत पहला इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 20,000 करोड़ में बनाया गया है। साल 2009 में इसे बनाना शुरू किया गया और 29 दिसंबर 2011 को पहली बार ओशन में उतारा गया। INS विक्रांत में 2300 से अधिक कैबिन है, जो 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही फीमेल ऑफिसर के लिए स्पेशल कैबिन को शामिल किया गया है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड 28 समुद्री मील है और इसकी लंबाई 262 मीटर है। यह 64 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। अगर आप INS विक्रांत का फ्लाइंग डेक देखेंगे तो वो 2 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है और इससे 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। वाई INS विक्रांत इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? INS विक्रांत पूरी तरह से इंडिया मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके इंडियन नेवी में शामिल होने से दुनिया को आत्मनिर्भर भारत का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है, साथ ही लगातार अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है और चीन की नेवी के कंपैरिजन में इंडियन नेवी थोड़ा पीछे है और INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से भारत चीन को पीछे ढकेल सकता है। इसके अलावा इंडियन ओशन की इंडियन ट्रेड में अहम भूमिका होती है, जिस वजह से चीन लगातार इंडियन ओशन में अपना डोमिनेशन बढ़ा रहा है और INS विक्रांत के इंडियन ओशन में मौजूद होने से भारत चीन की इन हरकतों पर रोक लगा सकता है। इसलिए INS विक्रांत बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।